टीवी चैनल। कोरोना काल में बच्चों पर जो असर पड़ा है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों ने जो पढ़ा था वो भी भूल गए। यहाँ तक कि बच्चे लिखना तक भूल गए। फिर प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जुड़े रखने की कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं कितनी कारगर साबित हुई वह तो आप सब जानते ही हैं। इसी विषय में खास मुलाकात करने के लिए न्यूज प्लस की संवाददाता बबीता ब्रह्मऋषि मिशन स्कूल की एमडी से मिली। आइए देखते हैं क्या कहती है स्कूल की एमडी। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आज हम यहां पर उपस्थित है ब्रह्मऋषि मिशन स्कूल में। आइए यहां के एमडी से पूछते हैं कि जो कोविड का जो दौर है वो बच्चों पर किस तरह का रहा। मैम, हम जानना चाहेंगे कि जो कोविड जो है बच्चों के ऊपर कितना प्रभावी रहा, उसकी उनकी जो शिक्षा है उस पर कितना प्रभाव पड़ा। शिक्षा पे देखो प्रभाव तो पड़ा ही। 2 साल बिल्कुल स्कूल से अलग रहना, स्कूल के एटमॉस्फेयर से अलग रहना, स्कूल के करिकुलम से अलग रहना, तो प्रभाव तो नेचुरली पड़ा ही उनके ऊपर। इस दो तरह से इसके प्रभाव हम देख सकते हैं, एक एकेडमिकली और एक उनका सोशल जो रिलेशनशिप और इंटरेक्शन होती है। तो एकेडमिकली तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन पर पढ़ाई के दृष्टिकोण से प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनकी जो साइके थी, जैसे एक तो उनका सेहत पर ये बुरा प्रभाव पड़ा कि मोटे हो गए, है ना, बैठे बैठे जो है ना उनकी एक्टिविटी है, ना कोई गेम्स है, ना बाहर जाना है, तो इसलिए उनके सेहत पर थोड़ा प्रभाव पड़ा एकेडमिकली उनकर, जो अच्छे बच्चे हैं जी। लेकिन जो बच्चे आप जानते हैं कि स्कूल में ऐसे होते हैं जिनको ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है, उनके ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो तो अप टू द मार्क नहीं हो पाए, उनको मुश्किल पड़ी है, आके काफ़ी मुश्किल पड़ रही है उनको, तो साइकोलॉजिकल भी प्रभाव पड़ा, अपने आप में इंट्रैक्शन हुई। बच्चे आप स्कूल में आते हैं, फ्रेंड्स से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो दे रिमेन एक्टिव, लेकिन नहीं आए तो वो प्रभाव तो वो तो बुरा प्रभाव पड़ा ही है। हम जानना चाहेंगे मैम, जो ऑनलाइन शिक्षा है वो बच्चों पर कितनी प्रभावी है। नहीं, प्रभावी तो है, ऑनलाइन शिक्षा नहीं होती तो कुछ नहीं होता जी। तो ज़ीरो होते बच्चे, ये तो ऑनलाइन शिक्षा की वजह से बच्चे पढ़ा है उन्होंने, दे आर नॉट ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो नहीं है वो उन्होंने पढ़ा है जितना पढ़ा है, खास करके जिन जहाँ पर, मैं छोटे पेरेंट्स की बच्चों की बात कर रही हूँ, जहाँ पेरेंट्स ने ध्यान दिया है, पेरेंट्स अलर्ट रहे हैं कि बच्चे पढ़े हैं, वहाँ उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान तो हुआ है, एवरीबॉडी नोज कि स्कूल इज़ स्कूल और घर तो घर ही होता है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ा, यानी ज़ीरो नहीं है बच्चे, देर नॉट ज़ीरो, दे हैव एक्वायर्ड सम नॉलेज, बेस है उनके पास, लेकिन जो स्कूल में होता है वो तो नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है। मैम, जानना चाहेंगे कि बच्चों को आप किस तरह की जो स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? जैसे स्टडी के लिए। स्टडीज़ के लिए तो जो कुछ भी अवेलेबल होता है हमारे पास, मल्टीमीडिया है जी। हमारे पास टीचर्स बहुत अच्छे हैं, है ना, राइट फ्रॉम प्राइमरी, खास करके मैं तो प्राइमरी सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस आई गिव टू द प्राइमरी सेक्शन। तो हमारे पास प्राइमरी सेक्शन में इतने अच्छे टीचर्स हैं दैट वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स कम्प्लीटली बाय द टाइम दे क्रॉस द 5th क्लास। फिर उसके बाद इतने वो एक्सपर्ट हो जाते हैं दैट दे कैन रीड देमसेल्व्स, दे कैन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड दे कैन रिप्लाई देमसेल्व्स। इतना हम तैयार करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ तो बच्चे रह जाते हैं, आपको मालूम है एवरीबडी इज़ नॉट इक्वल, सारे तो एक जैसे नहीं होते ना, कुछ होते हैं कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि प्राइमरी तक बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाएँ, क्योंकि प्राइमरी तक क्या होता है, लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, जो मैथ्स के बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं प्राइमरी तक, वो अगर इनको, वो अगर सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो वो कर लेते हैं, फिर वो ऊपर जाके उनके, जैसे आप कहते हैं कि वो सेल्फ लग जाता है उनमें, हाँ जी जी, जैसे गाड़ियों में सेल्फ लग जाता है वैसे उनमें सेल्फ लग जाता है, ये हमारी कोशिश रहती है। न्यूज़ प्लस के साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद।